हरे कृष्ण ब्लेस गुरुदेव की जय। ओके ट्रांसलेट, हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम क्षेत्र मंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह स्थान का नाम है सिद्ध बकुल। की नाम ये जगह नाम सिद्ध बकुल। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप छोड़ करके सन्यास लेकर के श्री क्षेत्र धाम में आए, कहते श्री हरिदास ठाकुर भी महाप्रभु जी को साथ में, उनको साथ साथ में श्री हरिदास ठाकुर जी भी आए। और श्री हरिदास ठाकुर जी श्री चैतन्य महाप्रभु को बोले, बोले प्रभु आप मेरे को आपका चरण से दूर नहीं रखना, आपका चरण के पास में कोई स्थान दे देना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे कहाँ पर, महाप्रभु रहते थे गंभीरा में एकदम पास में। और ये जो स्थान है ये गंभीरा का एकदम पीछे है, है? तो 2 मिनट का रास्ता गंभीरा से। इसलिए महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को अपना श्री चरण में ही रखे। यहीं पर हरिदास ठाकुर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीं पर महाप्रभु बैठ करके 3-3 लाख हरिनाम यहीं पर किया करते थे। और कहते ये जो स्थान का नाम है सिद्ध बकुल, कहते सिद्ध बकुल नाम क्यों पड़ा, बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु प्रत्यह उनका नियम था श्री जगन्नाथ जी की मंगल आरती में दाना। मंगल आरती दर्शन करने के बाद जगन्नाथ जी जब उठते हैं उनको दांत माजन, क्या बोलते हैं, दांतुन करते हैं, जगन्नाथ जी को दांतुन करते हैं। और वो जो ब्रश से दांतुन करते हैं, कहते वो जो ब्रश जो दांतुन अगर कोई विशेष कोई व्यक्ति हो, कहते वो दांतुन किसी विशेष व्यक्ति को ही उसको प्रदान करते हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन किए मंगला आरती, तब उन्होंने वो दांतुन को श्री चैतन्य महाप्रभु को दिए। महाप्रभु यहीं पर आकर के वो दांतुन को, ये जो वृक्ष देख रहे हैं, कहते जो वृक्ष देख रहे हैं वो दांतुन को गाड़ दिया, तो कहते वो दांतुन से ही ये वृक्ष हो गया। आ देखो ये बकुल वृक्ष है, हैं? कहते जो वृक्ष है, कहते महाप्रभु का दांतुन से ही ये वृक्ष हुआ है। बोले क्यों, बोले चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो ईश्वर है। ईश्वर उसे कहते हैं जो असंभव को संभव और संभव को जो असंभव कर सकते हैं, कहते वो ईश्वर है। इसलिए कहते ये वृक्ष का तो एक सिद्धि है, जो सिद्ध है एक सिद्ध है। जब धीरे 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 ये वृक्ष बड़ा हुआ, हरिदास ठाकुर इसी वृक्ष को नीचे बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरिदास ठाकुर इसी वृक्ष को नीचे बैठ करके भजन करते थे। परवर्ती समय में एक साधु आए जिनका नाम था श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी, रथ यात्रा का समय में जगन्नाथ जी की जो पहिया होता है बहुत बड़े बड़े पहिया होता है, जिसमें 18 पहिया लगती है 18। अभी जगन्नाथ जी की रथ चलते चलते एक पहिया कैसे टूट गया, टूट गया तो राजा ने आदेश दिया कहीं से भी वृक्ष मिलता है वो वृक्ष को काट करके ले आओ और इसका पहिया बनाया जाएगा। अभी राजमंत्री लोग आए और ये जो वृक्ष था इसी वृक्ष को उन्होंने निशाना लगा दिया,
बोले कल ये वृक्ष काटी जाएगी और इसी वृक्ष से ही वो पहिया बनेगी। इतने में वहां पर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भजन करते थे, इन्होंने देखा ये वृक्ष सिद्ध वृक्ष है, एक में तो श्री जगन्नाथ जी का दांतुर, दूसरी है महाप्रभु ने उसको बो दिए, तीसरी है जिसके नीचे श्री हरिदास ठाकुर भजन किया, इसलिए ये एक बहुत बड़ा स्मृति है, ये एक बहुत बड़ा स्मृति चिन्ह है, महाप्रभु और हरिदास ठाकुर और जगन्नाथ, ये तीनों का ये बहुत बड़ा स्मृति है। अगर ये वृक्ष को काट दी जाएगी और महाप्रभु का स्मृति हरिदास ठाकुर का स्मृति नष्ट हो जाएगी। उनने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया है, जगन्नाथ जी आप ही कहते ये वृक्ष को आप ही इसको रक्षा कर सकते हैं, ये वृक्ष को और कोई रक्षा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये राज आज्ञा है, राजा का जो आज्ञा को कोई भी टाल नहीं सकते हैं। जब उन्होंने प्रार्थना की, सवेरे जब लोग ये वृक्ष को काटने के लिए आए, देखा वो जो वृक्ष है ना, वो अंदर में पूरा के पूरा खोखला पड़ा हुआ, अंदर से ही खोखला है, अंदर में कुछ है ही नहीं। लोग बड़े आश्चर्य हो गए, एक रात में ऐसे कैसे हो गया। इसलिए अब लोग जाते समय ध्यान दे करके देखिएगा, उसका जो बीच का अंश कैसे पूरा खोखला है, खाली, और केवल ये वृक्ष उसकी छिलका के ऊपर में वो वृक्ष टिका हुआ है, केवल छिलका के ऊपर में वो वृक्ष टिकी हुई, इसलिए ये वृक्ष को कहते हैं सिद्ध बकुल। बोले श्री सिद्ध बकुल की, बोले श्री हरिदास ठाकुर की। कहते इसी वृक्ष के नीचे श्री हरिदास ठाकुर भजन करते थे। अभी श्री हरिदास ठाकुर को महाप्रभु प्रत्यह जगन्नाथ जी के दर्शन करके जगन्नाथ जी की जब महाप्रसाद को ला करके उन्हें श्री हरिदास ठाकुर को देते थे। अभी श्री हरिदास ठाकुर जी का अंतिम समय है, अभी वो चाहते इसी दुनिया को छोड़ करके अपना प्रभु का नित्य धाम में चले जाए। अभी हरिदास ठाकुर वृद्ध हो गए, बिस्तरा के ऊपर में बैठ लेट हुए और श्री और बड़े मीठी मीठी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बड़े मीठी मीठी धीरे धीरे स्वर से हरिदास ठाकुर हरि नाम कर रहे थे। इतने में महाप्रभु ने प्रसाद लेकर के आए, बोले हरिदास प्रसाद लो। लेकिन हरिदास ठाकुर, हम जितने साधक हैं, साधकों को एक बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। हरिदास ठाकुर कहते, बोले प्रभु आज हम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र में क्या बताया, बोले प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम्, प्रसाद पाने का आने का साथ साथ सारे विचारों को छोड़ करके प्रसाद को ग्रहण करनी चाहिए। क्यों? प्रसाद साक्षात भगवत स्वरूप, प्रसाद भगवत स्वरूप प्रसाद है, ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन आज श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं, बोले प्रभु आज मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। बोले क्यों हरिदास ठाकुर? बोले प्रभु मेरी जो संख्या नाम है, कितना हरि नाम करते थे महाप्रभु? 3 लाख हरि नाम करते थे महाप्रभु, 3 लाख हरि नाम करते थे। बोले आज मेरी जो संख्या नाम है, इसको मैंने पूरी नहीं कर पाए। महाप्रभु कहते हैं, हरिदास तुम जिंदगी भर 3-3 लाख हरि नाम किए हो, अरे अभी तो वृद्ध हो गया, थोड़ा कम करो, अभी थोड़ा तो कम करो। देखो हरिदास ठाकुर हमारी शिक्षा के लिए क्या कहते हैं, बोले प्रभु शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान, हमारा शरीर तो चंगा है, हमारा शरीर तो ठीक ठाक है, लेकिन प्रभु जो बुद्धि है ना, जो मन है, ये असुस्त है, ये मन हमारी ये असुस्त है। मतलब क्या है? हरिदास ठाकुर हम सबको शिक्षा देते हैं, ये जो मन है ना, यही बंधन का कारण है,
और यही मुक्ति का कारण है। जब भगवान कपिलदेव को उनको माँ देहूति प्रश्न करती, बोले बेटा हमारी कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, भगवान बोलते माँ ये मन ही बंधन का कारण और ये मन ही मुक्ति का कारण है, हैं? इसलिए ये मन को जब हम भगवान के चरण में लगा दे यही मुक्ति का कारण बनती है। जब मन को हम विषय में लगाएंगे ये फिर बंधन का कारण बनता है। इसलिए मैया अपना मन को सही करो। अपना हमारे 11 इंद्रियां हैं, कितना इंद्रियां हैं? 11। 11 इंद्रिय का राजा कौन है? मन। मन ने बताया चलो जगन्नाथपुरी जाएंगे, नवद्वीप में जाएंगे, सारे इंद्रियां आ गए। अगर मन बोलता अरे क्या जरूरत नवद्वीप जाने का, पुरी जाने का, चलो थोड़ा घूम आते, इधर उधर थोड़ा आनंद लेकर के आ जाते घूम घाम करके, फिर ये जितना इंद्रिया क्या करता, सारे इंद्रिया उधर चले जाते, पुरी नहीं आते, वो नवद्वीप धाम में नहीं आते, हैं? इसलिए कहते ये मन ही मेन है। अभी प्रश्न है ये मन को फिर हम कंट्रोल कैसे करें? तो भगवान कहते हैं बस ये मन को अगर कंट्रोल करना चाहते हो केवल भक्तों का संग से ही हो सकता है। इसलिए भगवान बोले माँ तुम वैष्णव का संग करो, भक्तों का संग करो, सतांग प्रसंगात मम वीर जसंविदो, मेरे भक्तों का संग से ही तुम्हारी मन सही हो जाएगा। इसलिए हमें भक्तों का संग करनी चाहिए। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं बोले प्रभु मेरा शरीर तो बढ़िया लेकिन मन बड़ा दुष्ट है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते थे, सवेरे उठो और अपना जुत्ती लो, और ये मन को ना 100 बार मारो, मतलब ये मन को समझाओ, मन दिन भर भगवान की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा, मन में ही ये मन तो लगे रहना, इधर उधर गंदे चीज में जाना नहीं है। इसलिए हरिदास ठाकुर हमारे साधकों को शिक्षा देते हैं, नियम है कुछ जब तक माला नहीं कर ले तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अपना बुझते बार सिने मायरा मायरा तो घुमा दी सुधु हरि बोल, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हरिदास ठाकुर शिक्षा देते हैं प्रसाद पाने से पहले कुछ हरि नाम करो, ऐसे नहीं रात भर टीवी देखे मूवी देखे, हैं? रात भर मूवी उल्टा पुल्टा पिक्चर देखे और सोए 1-2 बजे और उठे 8-9 बजे, और किसी तरह से मुंह हाथ धोए और खाना खाए, बस काम में चले गए, काम में चले गए। बोले नहीं, भक्ति करने वालों को जल्दी सोनी चाहिए और जल्दी उठनी चाहिए, जल्दी सो और जल्दी उठो और उठ करके अपना संख्या माला को पूरी करो। पहले अपना तिलक लगाओ, पहले स्नान करके सबसे पहला काम किया है तिलक, तिलक लगाए बगैर ये शरीर हमारी शुद्धि नहीं होता है। पहले तिलक लगाओ, आचमन करो, हैं? उसके बाद में फिर ठाकुर जी की अपना गुरु मंत्र को जप करो, फिर ठाकुर जी की मंगल आरती, ठाकुर जी को मंगल आरती करो, उसके बाद में तुलसी परिक्रमा करो, हैं? जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महाब कैसे घाट बंसी बट द्वादश कनाना जहाँ सब लीला कहिला श्री नंद नंदन श्री नंद जसोदा जय जय गोप गाना
रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति करना तो तृष्टन ब्रजे, बोले वृंदावन में रह करके भजन करो। बोले अगर सबके सब वृंदावन में आ गए फिर रूबल कहाँ से, डॉलर कैसे आएगी, रूबल कहाँ से, हीरो कहाँ से आएगी, नहीं होगा तो फिर हम धाम में कैसे जाएंगे, फिर हम भक्ति कैसे करेंगे अगर सबके सब वृंदावन में आ गए। इसलिए कहते भले ही कहीं शरीर से रहो, शरीर से भले ही रसिया में रहो, भले ही चाइना में रहो, अमेरिका में रहो, लेकिन मन से कहाँ पर रहो, बोले मन से श्री वृंदावन धाम में रहो। बोले वृंदावन धाम में मन से श्री वृंदावन धाम में कैसे रहेंगे, बोले जब हम हर समय वृंदावन धाम को, नवद्वीप धाम को, पूरी धाम को याद करते रहेंगे, ठाकुर जी का आरती उतारेंगे, हरिनाम करेंगे, तुलसी परिक्रमा करेंगे, कीर्तन करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यदि न गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई, जिस दिन घर में हम हरि कीर्तन हरि भजन भक्ति करते हैं वही घर ही तुम्हारा वृंदावन बन जाएगा, घर ही तुम्हारी वृंदावन घर ही हो गया। इसलिए हरिदास ठाकुर हम सबको शिक्षा देते हैं जब तक कुछ माला नहीं कर ले तब तक भोजन हमें नहीं करनी चाहिए, पहले भजन उसके बाद में भोजन, पहले भजन उसके बाद में भोजन, पहले भोजन नहीं, पहले भजन उसके बाद में भोजन करनी चाहिए। इसलिए यहीं पर से हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु को बोले, बोले प्रभु मेरे को ऐसे लगता है आप ये जल्दी जल्दी ये संसार आप छोड़ने वाले हो। बोले प्रभु ये जो आप जब इसी जगत से जाओगे आपका विरह को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप जाने से पहले उसको पहले मैं ही शरीर छोड़ दूं। महाप्रभु बोले हरिदास मैं जो कुछ लीला कर रहा हूँ तुम लोगों को लेकर के, अगर तुम अगर चले जाओगे तो फिर हम लीला किसको लेकर करेंगे। देखो भक्तों का दैन्य कैसे है, बोले प्रभु अगर पृथ्वी से अगर एक चिट्टी अगर मर जाए ये पृथ्वी का कोई हानि होगी थोड़ी, आपका लीला में तो करोड़ भक्त करोड़ करोड़ भक्त तुम्हारी लीला में मदद कर रहे हैं, मैं एक चिट्टी जैसे। लेकिन जब हरिदास ठाकुर शरीर छोड़े तो महाप्रभु कहते हैं हरिदास छिलो पृथ्वी शिरोमणि तुमा बिना रत्न सुन्न है लमेदिनी। महाप्रभु कहते हैं हरिदास ठाकुर कौन है, बोले ये पृथ्वी शिरोमणि है, क्योंकि ठाकुर वैष्णव पद अवनिध सुसंपद। नरतम दास ठाकुर कहते हैं पृथ्वी का असली संपत्ति क्या है, बोले वैष्णव का चरण है, वैष्णव का चरण ही पृथ्वी का असली संपत्ति है, हैं? इसलिए महाप्रभु कहते हैं हरिदास ठाकुर जब चले गए बोले पृथ्वी रत्न शून्य हो गया, ये पृथ्वी इतने बड़ी बात कहते हैं। इतने में श्री हरिदास ठाकुर महाप्रभु को कहते हैं बोले प्रभु मेरे मन में केवल एक ही इच्छा है। बोले क्या इच्छा है, बोले आपका ये चंद्र बदन को दर्शन करते करते, आपका श्री कृष्ण चैतन्य नाम को उच्चारण करते करते और आपका चरण को अपना हृदय में धारण करते हुए ये संसार को मैं त्याग देना चाहता हूँ। और महाप्रभु ने इच्छा पूरी किया, महाप्रभु अपना भक्तों को लेकर के आए और हरिदास ठाकुर लेटे हुए जहाँ पर सारे महाप्रभु का भक्त वृंद चारी तरफ में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे भक्त कीर्तन कर रहे थे और हरिदास ठाकुर महाप्रभु का दर्शन करते करते नाम लेते लेते महाप्रभु का चरण को हृदय में धारण करते हुए उन्होंने अंतिम विश्वास को त्याग दी और सारे भक्त देख करके आश्चर्य हो रहे थे। जैसे पितामह भीष्म की जैसे इच्छा मृत्यु है हरिदास ठाकुर की इच्छा मृत्यु हुई। बोले क्यों, बोले सारा जीवन हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने 3-3 लाख उन्होंने भगवान के नाम को उन्होंने ग्रहण किया है। महाप्रभु यहीं से ही
हरिदास ठाकुर जी को अपना गोद में लेकर गए। कल हम लोग गए थे उनकी समाधि पीठ में, यहीं से महाप्रभु हरिदास ठाकुर को अपना गोद में लेकर गए और समुद्र में स्नान कराए। हम बोले समुद्र पहले तुम तीर्थ था, हरिदास ठाकुर का स्पर्श से तुम तीर्थ नहीं, आज तुम महातीर्थ हो गया। हाँ महातीर्थ हो गया, इसलिए इतने कोई व्यक्ति मरने के बाद शरीर से स्पर्श करा दो अपवित्र, लेकिन वैष्णव का जो शरीर है वो पवित्र है, अपराकृत दिव्य शरीर वैष्णव का। इसलिए महाप्रभु इनके लिए इतने बड़े काम किए। यहीं पर ही श्री रूप गोस्वामी यहीं पर भजन करते थे, महाप्रभु आकर के उनको साथ में मिलते थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, बोले तुम क्या कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? बोले मेरे ललित माधव ग्रंथ। हाँ कहते श्री ललित माधव और विदग्ध माधव, हाँ इन्होंने ये दो ग्रंथ लिखे हैं। बोले ये ग्रंथ लिख रहा हूँ। बोले तुमने मंगलाचरण में क्या लिखे हो? तो उन्होंने लिखे थे बोले अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितोर्नत उज्ज्वलम रसांग सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दूती कदंब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। इसलिए उन्होंने ये श्लोक लिखा था, मतलब महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार जगत में आकर के जो प्रेम ब्रह्मा का एक दिन पहले दी गई थी और एक दिन को बाद में वो जो ब्रज भक्ति राधा रानी के निकुंज की जो सेवा है ये हर समय महाप्रभु नहीं देते, ब्रह्मा का एक दिन में देते हैं। कौन है? श्री सचिनंदन श्री गौरहरि स्फुरतु सचिनंदन। महाप्रभु ने बोले हाँ श्लोक तो बहुत बढ़िया लिखे हो, लेकिन उसमें जैसे सुंदर एक है सुंदर एक पात्र में जैसे पानी दो, उसमें मिश्री दे दो, नींबू डाल दो, थोड़ी सी कर्पूर दे दो, है जैसे बड़े सुंदर बन जाता है, लेकिन तुम्हें तो बड़े सुंदर बनाया, लेकिन उसमें जो स्फुरत में सचिनंदन ये सचिनंदन मेरा नाम दे दिया ना, जैसे उसमें एक बिंदु शराब डाल दिया, सूरा डाल दिया। तब भक्त लोग कहते नहीं प्रभु सूरा नहीं डाले, उसमें थोड़ी कर्पूर डाल दी, उसमें खुशबू हो गया। इसलिए कौन है? श्री सचिनंदन गौर हरि की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। फिर उसमें एक नाम की एक महिमा श्लोक था, क्या था बोलो जोर से, तुंडे तांड विनवित वितनुते तुंडा बलि लब्धये कर्ण क्रडो कडमिनि घटयते कर्णा बुदेव स्प्रिया चेत प्रांगण संगनि रचयते सर्वे इंद्रियाणां कृति नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्ण वर्ण द्वय। कहते ये श्लोक को महाप्रभु सुन करके बोले हमने हरिनाम की महिमा बहुत सारे शास्त्र में सुने हैं, लेकिन इतने सुंदर श्लोक और हम कहीं सुने ही नहीं। महाप्रभु इसको तो देखे लेकिन हृदय में इतने आनंद महाप्रभु को, इतने आनंद महाप्रभु रूप गोस्वामी को पर हो गए। फिर उन्होंने आनंद समाया नहीं, फिर श्री स्वरूप दामोदर सार्वभौम भट्टाचार्य राय रामानंद ये सारे भक्तों को फिर महाप्रभु लेकर के आए, लेकर के आए बोले उसको खोलो और पढ़ो, और भक्त लोग सुन करके प्रसन्न हो गए। हरिदास ठाकुर तो वो तो प्रेम से हरिदास ठाकुर नाच उठे, हैं क्योंकि हरिदास ठाकुर नामाचार्य है, 3 लाख हरिनाम करते हैं श्री हरिदास ठाकुर, तो उनका हृदय नाच उठा श्री हरिदास ठाकुर को। यहीं पर ही श्री रूप गोस्वामी रह करके भजन करते थे, सनातन गोस्वामी भजन करते थे, हरिदास ठाकुर यहीं से भजन करते थे। पहले यहीं से ही जगन्नाथ जी का जो रथ चक्र, जगन्नाथ जी के ऊपर जो चक्र है जो पताका है यहीं से ही दर्शन मिलता था। इसलिए हरिदास ठाकुर चवन कुल में जन्म ग्रहण करने का नाते इसलिए कभी जगन्नाथ जी मंदिर को सामने होते हुए कभी नहीं जाया करते थे। बोले जगन्नाथ जी का सेवक लोग यहाँ पर घूमते रहते होंगे, अगर स्पर्श हो गया तो मेरा अपराध हो जाएगा, इसलिए उसको सामने आते जाते नहीं। इसलिए श्री महाप्रभु रथ यात्रा का समय में ज-
जिस समय जगन्नाथ जी को दर्शन करते हुए एक श्लोक को बीच बीच में बोलते थे, जो श्लोक को कोई भी नहीं समझते थे, एक मंडल श्लोक है, साधारण काव्य ग्रंथ के श्लोक है, हैं? इसलिए जग कौमार हर बोल करके एक श्लोक है, इसलिए जिस श्लोक को हैं? एक क्या बोलते हैं, नहीं कद प्रिया प्रेमी प्रेमिका और प्रेमी का ये एक श्लोक है, इसलिए एक प्रेमिका एक प्रेमिको को कह रहा है, जब हम सुंदर नदी को किनारा में सुंदर एक बेत का वन में जब वहीं पर जब हम अकेले मिलते थे उसमें जो आनंद आ रहा है वो आनंद यहाँ पर नहीं आ रहा है, वो साधारण श्लोक था, लेकिन महाप्रभु की भाव को समझते हुए रूप गोस्वामी ने प्रिय अयम स्व सहचरी उन्होंने और एक सुंदर अपूर्व एक श्लोक को लिख करके अपना जो भूसा की जो क्या उनका जो दरवाजा नहीं उसका भूसा का जो कुटिया थी वो ताल पत्ते में उसको लिख करके उन्होंने वहीं पर रख दिया था। महाप्रभु आए उनका हैंडराइटिंग कैसे बोले मुकुतार पाती एक तो मुक्ता जैसे इनके अक्षर बड़े सुंदर इनका हैंडराइटिंग जिसको देख करके महाप्रभु निकाल करके लाए। जब उन्होंने श्लोक को पढ़े महाप्रभु कहते हैं रूप तुमने मेरे हृदय का भाव कैसे समझे, तब स्वरूप दामोदर और श्री राय रामानंद कहते बोले प्रभु जरूर आप उसका हृदय में आप स्वयं उनको स्फूर्ति कराया तब भी आपका हृदय के बात को ये समझ पाया। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री चैतन्य मनभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदामजम ददाति स्वपदातिकम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का मनभीष्ट को किसने स्थापन किया, श्री रूप गोस्वामी ने स्थापन की है। इसलिए ये जितने सारी कथा है ना यही की सारे के सारे कथा है। इसलिए ये स्थली अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थली है, अत्यंत अत्यंत पवित्र महाप्रभु का लीला स्थली, हरिदास ठाकुर जी का, श्री रूप गोस्वामी का, स्वरूप दामोदर का, सनातन गोस्वामी की, सारे महाप्रभु का परिकर यहाँ पर आए और यहाँ पर उनके सब चरण धूलि पड़ा हुआ है, सब वैष्णव का यहाँ पर सबके सब चरण धूलि पड़ा हुआ है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान है जो कि इस लीला स्थली पर आए, उनकी भजन स्थली पर आए और यहाँ आने पर अपने आप हृदय में एक दिव्य भाव प्रकट होता है। बोले क्यों, बोले यहाँ पर सब वैष्णव लोगों ने यहाँ पर भजन किया। इसलिए हम सबके सब श्री हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, श्री हरिदास ठाकुर जी से हम सबके सब प्रार्थना करते हैं। बोले महाप्रभु आपको नामाचार्य हरिदास ठाकुर बताए, इसलिए जब तक वैष्णव का कृपा नहीं हो है, वैष्णव का कृपा नहीं होने पर हम कभी भगवान की भक्ति कर नहीं सकते हैं। इसलिए से हरिदास ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं वे सब हम सबको ऊपर में कृपा करे, एक दिन ना दिन हमारा जीवा में नाम जैसे स्फूर्ति हो, नाम स्फूर्ति हो और निरपराध को साथ में अपराध शून्य हो करके हम भगवान की नाम जप कर सके हैं। इसलिए गुरु वैष्णव श्री हरिदास ठाकुर जी से हम सबके सब महाप्रभु उनका परिकरों से हम सबके सब श्री प्रार्थना करते हैं। बोले श्री नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री रूप गोस्वामी की, बोले श्री सनातन गोस्वामी की, बोले श्री स्वरूप दामोदर की, बोले श्री राय रामानंद की, सपरिकर गौर हरि की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।